और इसी बीच आपको बता दें, फिल्म एक्टर गोविंदा को गोली लगी है। गोविंदा के दाहिने पैर में गोली लगी है, अपनी ही रिवॉल्वर से गोली लगने की जानकारी मिल रही है, खबर मिल रही है। आपको बता दें कि गलती से गोली चलने से हादसे की आशंका जताई जा रही है। गोविंदा की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। तो आपको बता दें, जुहू के एक अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, कृति केयर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, आईसीयू में इस समय बताए जा रहे हैं। रिवॉल्वर साफ कर रहे थे गोविंदा अपनी, और रिवॉल्वर साफ करते समय यह हादसा हो गया, गोली चल गई अचानक से और उनके सीधे पैर में जाके यानी कि दाहिने पैर में उनके गोली लगी है। गलती से गोली चलने से हादसे की आशंका ये जताई जा रही है। फिलहाल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और खतरे से बाहर है। तो फिलहाल खबर दरअसल यही कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा जो है वो यहाँ पे हादसे का शिकार हो गए हैं। हादसा उनके घर पे ही हुआ है, उनके हाथों से ही गोली चल गई, रिवॉल्वर साफ करते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ और गोविंदा जख्मी हो गए। फिलहाल वो आईसीयू में है, हालत स्थिर है, लेकिन जो मेडिकल बुलेटिन है वो बताएगा कि आखिर जो उनकी स्थिति है ऑपरेशन को लेकर या गोली लगने के बाद वो क्या कुछ है फिलहाल। लेकिन बड़ी खबर यही है कि गोविंदा के पैर में गोली लग गई है। लाखों करोड़ों प्रशंसकों के लिए चौंकाने वाली खबर है ये, क्योंकि गोविंदा बीते दिनों तमाम अलग अलग शोज में दिखाई दे रहे थे और इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये सामने आई कि वो घायल हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं, उनके दाहिने पैर में गोली लग गई है और ये हादसा खुद उनसे ही हो गया है। रिवॉल्वर साफ करते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवाए गए हैं, आईसीयू में यहां पे उनको एडमिट करवाया गया है और फिलहाल जो उनकी स्थिति है वो ये है कि उनको आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा है। गलती से गोली चलने की यहां पे आशंका जताई जा रही है, लेकिन दरअसल हुआ क्या परिवार में और हुआ क्या घर पे रिवॉल्वर साफ करते वक्त ये सवाल बना हुआ है। इस बीच जो उनकी पत्नी वो वहां पर मौजूद थी, उनको पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, हॉस्पिटल में उनको आईसीयू में फिलहाल एडमिट करवाया गया है। और लाखों करोड़ों प्रशंसक जो है गोविंदा के, जो उनके डांस के दीवाने हैं, जो उनके एक्टिंग के दीवाने हैं, उन सबके लिए आज ये चौंकाने वाली खबर सुबह निकल के सामने आई है, जहां पर गोविंदा के साथ बड़ा हादसा हो गया और ये हादसा खुद उनकी वजह से ही हुआ, क्योंकि उनके ही रिवॉल्वर साफ करते वक्त ही बड़ा हादसा हुआ है, जहां पे उनके हाथों से गोली चल गई है और रिवॉल्वर साफ करते वक्त ही बड़ा हादसा हुआ है। और इसके चलते गोविंदा जो है जख्मी हो गए हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि गोविंदा बिल्कुल सुरक्षित रहे, क्योंकि जो उनके लाखों करोड़ों प्रशंसक है वो भी इस वक्त यही उम्मीद कर रहे होंगे। लेकिन जो खबर निकल के सामने आ रही है उनके परिवार की ओर से कि उनको आईसीयू में एडमिट करवाया गया है और एडमिट करवाने के बाद जो उनका इलाज है वो यहां पर जारी है। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान आज 7 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग जारी। पाकिस्तानी सीमा से सटे हैं 6 जिले। जम्मू कश्मीर के पट्टन उत्तरी में मतदान के लिए लगी कतार, पोलिंग बूथ की तस्वीरें सामने आई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर पीएम मोदी का पोस्ट, पीएम मोदी ने की लोगों से मतदान करने की अपील, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए घरों से निकले लोग। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के लिए चुनाव को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने किया पोस्ट, कहा जम्मू कश्मीर में मजबूत सरकार की जरूरत, विकास के लिए मतदान जरूर करेगी। मायावती ने जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के मतदान को लेकर की वोटरों से अपील, कहा सत्ता में आमजन की भागीदारी के लिए वोटिंग जरूरी। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे चरण का मतदान, गुलाम नबी आजाद ने किया मतदान, कहा आज जरूर डालना चाहिए वोट। वो उनकी मर्जी है किस पार्टी किस कैंडिडेट को वो वोट डालें, उसमें हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन वोट का इस्तेमाल हर व्यक्ति को करना चाहिए। उत्तरी जम्मू कश्मीर विधानसभा से उम्मीदवार श्याम लाल शर्मा ने किया मतदान, कहा जम्मू कश्मीर में लंबे समय से था विधानसभा चुनाव का इंतजार, लोगों में भारी उत्साह। ये सबसे बड़ा हमारी डेमोक्रेसी का पर्व है और जम्मू कश्मीर में भी 5.5 साल के बाद आज यहाँ की विधायिका जो है वो काम करेगी और लोगों को बहुत सी अपेक्षाएं। जम्मू कश्मीर में एआईपी चीफ शेख अब्दुल रशीद का चुनाव को लेकर बड़ा बयान, कहा कश्मीर के लोगों का लोकतंत्र में विश्वास, कश्मीर की जनता बदलाव चाहती है। लोग अपने सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वोट भी उसका एक तरीका है। लोग तब्दीली चाहते हैं, लोग समझ चुके हैं कि अगर वो कुछ अचीव कर सकते हैं तो डेमोक्रेटिक मीन से ही अचीव कर सकते हैं।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण का मतदान जारी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे। उधर हरियाणा के पलवल में आज पीएम मोदी की चुनावी रैली, प्रधानमंत्री की रैली के लिए चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल तैनात। पलवल जिले को रोड को रेड जोन घोषित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई दौरे पर रहेंगे। महायुति के सीट बंटवारे को लेकर नेताओं से करेंगे मुलाकात। सीएम एकनाथ शिंदे, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर देर शाम होगी बैठक। हरियाणा में राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, एक देश एक चुनाव पे बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा इसी संसद के कार्यकाल में लाएंगे बिल, एक साथ चुनाव से समय और पैसे की बचत होगी। महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने सीट शेयरिंग पर 7 घंटे किया मंथन, अभी तक नहीं हुआ सीट बंटवारा। सीट शेयरिंग को लेकर आज फिर होगी मीटिंग। शहजाद पूनावाला का कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर हमला। कहा सिद्धरमैया को इस्तीफा देना चाहिए, मोचन पत्र जांच से नहीं बचा पाएगा। आदेश आया, स्पेशल कोर्ट का आदेश आया, FIR दर्ज हो गई, अक्यूज्ड नंबर 1 अक्यूज्ड नंबर 2 बन गए, ईडी का केस शुरू हो गया। इस्तीफा देने की बारी है, रेजिग्नेशन लेटर देना है। ये लेटर से कुछ नहीं होगा, ये तो एडमिशन ऑफ गिल्ट हो चुका है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। लोकायुक्त के बाद ईडी ने भी दर्ज किया केस। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती ने प्लाट वापस लौटाने के लिए तैयार। सिद्धरमैया की पत्नी आवंटित 14 प्लाट लौटाएंगी। ईडी की FIR के बाद पत्नी पार्वती ने मुडा को पत्र लिखा है। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती का पर सादा निशाना। कहा कश्मीर के माहौल को बिगाड़ना चाहती है महबूबा मुफ्ती, सांत्वना लेकर वोट में फर्क लाना इनका मकसद है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने पूरे देश में NRC लागू करने की वकालत की। बोले अवैध घुसपैठ पूरे देश की समस्या बन गई है, NRC को पूरे देश में लागू करना चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस ने खेला ब्राह्मण कार्ड। सुरजेवाला ने कहा यूपी में ब्राह्मणों पर हो रहा है अत्याचार। गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा मुस्लिमों के हितैषी को ब्राह्मण याद आए। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने शैलजा और हुडा के हाथ मिलाए जाने पर कसा तंज। बोले इससे सिद्ध हो गया कि पार्टी में फूट है, कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है। उससे तो सिद्ध हो गया कि हाँ पार्टी बाजी है। मैंने देखा पीछे खड़े होकर दोनों के हाथ पकड़कर जुड़ा रहे थे। वैसे तो जुड़े हुए नहीं है ना, कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है। सीता सोरेन का हेमंत सरकार पर हमला। बोली ये सरकार भ्रष्ट है, इस सरकार को बदलना जरूरी है। सरकार का परिवर्तन करेंगे तब विकास होगा। अयोध्या रेप केस में नया मोड़ आया। आरोपी नेता मोहित खान का DNA टेस्ट नहीं हुआ मैच। मोहित के नौकर राजू के साथ पीड़िता का DNA मैच हुआ। रेप केस में दोनों आरोपी हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। राज्य सरकार ने गाय को दिया राजमाता का दर्जा। कैबिनेट की बैठक में सरकार का फैसला। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर और जामा मस्जिद मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। हिंदू पक्ष ने मस्जिद की जगह मंदिर होने का किया था दावा। फिल्म एक्टर गोविंदा के दाहिने पैर में लगी गोली, अपने ही रिवॉल्वर से गोली लगने की खबर निकल के सामने आ रही है। अभिनेता गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिवॉल्वर साफ करते समय हुआ हादसा, खतरे से बाहर। नैनीताल में लाल कुआ और हल्दू चौड़ के बीच सड़क पर आया हाशिए का झुंड, हाथियों का झुंड। हाथियों को देखकर मची अफरा तफरी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ब्रिज पर खराब हुई ट्रेन, जान जोखिम में डालकर लोको पायलट ने ठीक की समस्या। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देवदूत बनी नोएडा पुलिस, 28वीं मंजिल से कूदने जा रहे युवक को पुलिसकर्मी ने बचाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के बागपत में रफ्तार का कहर, थार सवार ने युवक को रौंदा। CCTV में कैद हुई दर्दनाक तस्वीर। यूपी के गाजीपुर में दो युवकों ने खड़ी कार में लगाई आग। आग लगाने का CCTV फुटेज आया सामने। 17 दिन पुरानी बताई जा रही घटना। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ के हालात, राहत पाने के लिए बाढ़ के पानी में प्रार्थना करते लोग नजर आए। बिहार के दरभंगा में बाढ़ का कहर, बाढ़ के पानी में स्कूल जाने को मजबूर हुए शिक्षक। कमर तक भरे पानी में मूल्यांकन की कॉपी सिर पर लगकर टीचर जाते दिखाई दिए। फिर जेल से बाहर आएगा गुरमीत राम रहीम। हरियाणा में वोटिंग से पहले 20 दिन की पैरोल मंजूर। 8 सितंबर को खत्म हुई थी पिछली पैरोल।
लद्दाख से देर रात सिंधु बॉर्डर पहुंचे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक समेत 150 लोग हिरासत में लिए गए। प्रदर्शनकारियों के साथ जंतर मंतर पे पैदल चल जाते थे सोनम वांगचुक। यूपी के बहराइच में घर में अजगर निकलने से बचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। गांव वालों ने ली राहत की सांस। यूपी के कानपुर में जंगली जानवर के हमले से युवक की मौत हो गई। अब तक कई लोग हो चुके हैं शिकार। यूपी के बहराइच में बिजली कटौती से नाराज लोग बिजली घर में की तोड़फोड़। 5 दिन से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। अहमदाबाद में उपद्रवियों पर पुलिस का एक्शन। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। चाड़क के पूरे इलाके में कुछ उपद्रवियों ने उत्पात मचाया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में मॉडल शॉप पर ओवर रेटिंग पर एक्शन। शिकायत मिलने पर मॉडल शॉप सील। डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में छात्र अतुल को सुप्रीम कोर्ट से मिला अन्याय। कोर्ट के आदेश के बाद आईटीआई में होगा एडमिशन। फीस में देरी के कारण नहीं हुआ था छात्र का एडमिशन। मुजफ्फरनगर की खबर है। यमुना एक्सप्रेसवे पर अब सफर करना हुआ महंगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में 12% बढ़ोतरी की गई है। यूपी के पीलीभीत में समाजवादी पार्टी ऑफिस में घुसा सांप। काफी देर तक समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष थे वो कुर्सी के पास बैठा रहा सांप उनके पास। वन विभाग की टीम ने सांप का रेस्क्यू किया है। मोदी नगर में एक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौजूद हैं। किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।